कि वीडियो को पूरा स्किप बिना किए हुए देखें और लोगों छात्रों तक शेयर करें। आप हेलो दोस्तों, पंकज मगरदा आपका स्वागत है। जैसा कि अभी फर्स्ट क्लास हम ही आए हैं और गेट खोले हैं, और जैसे कि हम एक दोस्त आए, उनका क्या प्रॉब्लम है आपको, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं वो खुद आ रहे हैं बताएंगे, क्योंकि अभी कॉल किए बोले भैया बहुत परेशान है, तो कहीं ना कहीं उनको आने दीजिए और बात करते हैं क्या बात है, क्योंकि उनको चीज़ों बता देंगे तो हो सकता है जल्दी मिल जाए उनको, क्योंकि कहीं कुछ ऐसा चीज़ है कि उनको बताने के बाद जल्दी मिल जाए। देखिए आ चुके हैं, यही बंदा है और जैसा आ गया है। क्या दिक्कत है तुम्हारे वाले में? पार्ट 1 और पार्ट 2 में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कहीं ना कहीं बेचारा बहुत आया। मुझे कॉल पे बात किया तो हमको लगा कि कोई ऐसी बात से होगा, बोला कि यही ना दिक्कत है। बाकी रजिस्ट्रेशन कार्ड फ्री में सही है, रजिस्ट्रेशन कार्ड से मिला है ना? हाँ, स्लिप लाए हैं। लाए ना, देखिए आप कहते हैं 28 वाले बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिलता, तो एक स्लिप मिलता है। नहीं, जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन जो था ना 1 और 2 और 3 में, तीनों में नहीं था, तो फिर जैसे हम क्या थे कि पार्ट 3 के एग्ज़ाम देने के दरमियान में हम रजिस्ट्रेशन करवा लिए। अच्छा। और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मेरा रजिस्ट्रेशन स्लिप आ गया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। हाँ। अच्छा। और जब रिजल्ट आया तो PMW था। अच्छा। और PMW था तो PMW से हम डायरेक्ट सुधरवा लिए आके। हाँ। और सुधर गया, और PMW था तो फिर सुधरवाया, तो सुधरवा के फिर मार्कशीट मेरा बन के आया ओरिजिनल। ओरिजिनल है ना? हाँ, ओरिजिनल। देख लीजिए आपके सामने 28 का छात्र है, और कहीं ना कहीं ये बताया जैसा कि इसका रिजल्ट PMW था, और ये बंदा जो है जाके सुधरवाया, और सुधरवा मेरा रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, हमको पता किया कॉलेज में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, पता चला बाद में हमको, और उसके और फिर हम बाद में रजिस्ट्रेशन करवाए। थर्ड देने थर्ड देते देते आप रजिस्ट्रेशन करवा लिए, यही आप छात्रों को बोलते कि फाट जो भी मतलब जैसे कि पता कर लीजिए सबसे बात है, और करवा लीजिए। ये बंदा करवाया और हमसे कॉल पर बात किया, कहे भैया हमको एक दिन में मिल जाएगा, तो हमने कहा कि हाँ भाई मिल जाएगा, नहीं ऐसे 7 दिन 5 दिन लेता है, बट ऐसा कुछ है कि आज के आज कितना वो बनता है हम इनको बता देते हैं, क्योंकि वो पेनलिट नहीं बना सकते हैं। जैसे हम दूर से आए, झारखंड से आए हैं, पता है भाई हमको एक ही दिन में चाहिए, मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, 1 रुपये भी खर्चा नहीं होगा, जो चलान है वो चलान कटेगा। और 28 का है तो चलान तो 28 का गलती तक नहीं कटता, बट जो आपका मार्कशीट है वो यहाँ पता करके हम बता देते हैं आपको। और इसी तरह आप भी छात्र बताएं, मेरा मोटिव बस यही है, जैसे बताए हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं है वो पहले करवा दे, जो भी करेंट सेशन के छात्र हैं वो आपसे मैं बोल रहा हूँ, आप फर्स्ट में नहीं रजिस्ट्रेशन आपका आता है तो अपने कॉलेज जाइए, पता कीजिए नहीं है तो उसको करवा दीजिए, क्योंकि अगला आपका मार्कशीट जो आएगा सुधर के आएगा। और जो पूछ रहे थे ना भैया डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगे, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्कशीट का फोटो कॉपी हम ले लिए, और पार्ट 1 और पार्ट 2 का एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी, और एक कॉलेज से फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन। बस यही है, यही चीज़ है। देखा कि भाई आया हुआ था झारखंड से, तो बस मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है आप सभी छात्रों को। बहुत सारे छात्र कहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं देता है कॉलेज, पंकज भाई 28 के बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो 28 के उनको कहीं ना कहीं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, तो अपने कॉलेज से मांगे समझे, और सर पूछिए कैसा रजिस्ट्रेशन है, तो आपको मैं 28 का रजिस्ट्रेशन वाले ज्वाइंट बटन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं ठीक कैसा आपको दे सकते हैं। हर एक स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन मिलता है जैसा कि वो भाई बताए, और ये भाई जस्ट आए और आने के बाद उनका आज वो बनके भी मिला और वो चले गए झारखंड समझे। क्या चीज़ों को अपनाया है, कैसे उनको मिला है, इस चीज़ों को मैं ओपनली तो नहीं बता सकता, बट आप सभी छात्रों को बता देता हूँ इतना कि मार्कशीट जहाँ आपका है, बहुत शायद पार्ट 3 के जो स्टूडेंट होंगे जिनका भी TR नहीं आया है, टेबुलेशन रिजल्ट जिसे बोलते नहीं आया विश्वविद्यालय, तो पार्ट 3 का मार्कशीट उसका आप सुने भी होंगे कि वो पार्ट 3 का बताया मार्कशीट मेरा भैया, जैसे जैसे आपने बताया है मैंने लगभग आपका 200 से 400 वीडियो मैंने देखे हैं, और देखने के बाद आपको जैसे जैसे वीडियो बनाते हो वैसे वैसे मैंने देखता गया, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपका इतना सा इतना इन्फॉर्मेशन, इतना थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके मैंने बड़ा इन्फॉर्मेशन आपका कलेक्ट किया है, और मेरा पार्ट 3 का मार्कशीट आ गया। बट वही है पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्कशीट में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था पंकज भैया, इसके वजह से इन फ्यूचर मुझे दिक्कत होता, बट आपने वीडियो को बताया और उसमें बहुत सारे छात्रों को लगा भी, तो जस्ट वो बंदा जस्ट आ करके पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्क्स ले गया बना के। तो कहीं ना कहीं वीडियो आप सब जब पूरा देखिएगा तो कहीं ना कहीं आप सभी को फायदा होगा, और नेसेसरी फायदा होता है सभी स्टूडेंट को ठीक। तो आपसे निवेदन यही है कि वीडियो को पूरा स्किप बिना किए हुए देखें और लोगों छात्रों तक शेयर करें। आप 18-21 के हैं, आने वाला समय में 21-24 वाले स्टूडेंट भी होंगे, जैसे 21-24 वालों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया होगा, बहुत का रिजल्ट आ गया होगा, BA का रिजल्ट नहीं बचा, BSC का आ गया है, तो
तो कहीं ना कहीं आप वैसे छात्र हैं तो छात्रों को भेजिएगा तो उससे मोटिव होगा, मोटिव होगा तो आपके भाई बहन कोई भी मगध विश्वविद्यालय का कोई भी स्टूडेंट होंगे तो उनको पता चल जाएगा। ठीक, बस मेरा यही पर्पस है। और फिर छुट्टियां जो आपका सभी पूछ रहे हैं कितने तारीख से छुट्टियां होगी, तो छुट्टियां का जब 20 दिन पहले मैं बता दूंगा, लगभग 10 से 12 दिन विश्वविद्यालय बंद रहेगा। ठीक, और जो भी छात्र भर रहे हैं बीएड का फॉर्म तो वो एक चीज मेंटलिटी बना लिए हैं कि हमको प्रोविजनल, जो प्रोविजनल होता है प्रोविजनल नहीं डालेंगे, हमको डिग्री मांगा तो डिग्री डालेंगे। भाई डिग्री आपका बन नहीं रहा है तो आपको डालिए कैसे, आप प्रोविजनल डालिए, प्रोविजनल पे एक्सटेंड करवा लीजिए, आपके पास एक से कल ही समय है, कल भाई विश्वविद्यालय खुला हुआ है, प्रोविजनल पे एक्सटेंड करवा लीजिए। एक्सटेंड करवाने से यह होगा कि आप प्रोविजनल को अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करने के बाद आप जब डिग्री आपका आ जाएगा तो आप उसके बाद दे सकते हैं। तो आप सब जो छात्र हैं जो बीएड होना चाहते हैं उन सभी छात्रों के लिए, बाकी यहाँ विश्वविद्यालय 10 दिन के लिए 10 से 12 दिन के लिए बंद होगा। जिस दिन से बंद होगा उसका रात में वीडियो बना दूंगा कब से कब तक बंद होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। तो देखो शाम का समय है और अभी पूरा हॉस्टल में धुआं धुआं, कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत था, मच्छर बहुत हो गए थे। यहाँ के जो नगर परिषद में जीते कैंडिडेट हैं बौद्धा विहार, पूरा हॉस्टल में जो है अभी मतलब मरवाए हैं हुए, और कहीं ना कहीं बहुत मच्छर ज़्यादा है। ऐसे छात्रों को तो सब्जी लेके आ गए हैं, तो वीडियो को हम एंड करते हैं क्योंकि आज का ब्लॉग थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, अब बहुत ज़्यादा ही मिला होगा। ठीक है, तो बाय बाय, ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में कल के। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक।